हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जो क्वेश्चन पुट किए थे उन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन और आंसर दोनों देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन था विच इज नॉट एन ओपिएट नार्कोटिक, यानी ऐसी कौन सी ड्रग जो नीचे दी गई हैं जो ओपिएट्स कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। एम्फिटामाइन को छोड़कर सब की सब ओपिएट्स हैं, तो एम्फिटामाइन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द साइट ऑफ एडीए प्रोडक्शन इन द बॉडी। एडीए का मतलब है एडिनोसाइन डीएमिनेज, ठीक है, ये कहाँ पे बनती है बॉडी के अंदर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के अंदर एडीए फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ए सार्कोमियर, सार्कोमियर क्या है, पाथ बिटवीन टू जेड लाइंस को हम सार्कोमियर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन लाइकन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिलोंग्स टू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो लाइकन्स होता है कम्बिनेशन होता है एल्गल और फंगल पार्ट का, ठीक है, जो फंगल पार्ट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन टोबैको एंड पेटूनिया बिलोंग्स टू विच फैमिली, तो ये दोनों के दोनों सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शन होते हैं डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अंदर फॉस्फोग्लाइसिर एल्डिहाइड प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है, ठीक है, लाइट रिएक्शन के अंदर हमको एटीपी वगैरह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूवल ऑफ कॉपर्स ग्लैंड्स विल अफेक्ट, कॉपर्स ग्लैंड्स का दूसरा नाम है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। देखिए ह्यूमैन मेल का जो यूरेथ्रा है वो कॉमन पाथ है यूरिन का और स्पर्म का, सीमेन का, ठीक है। यूरिन एसिडिक इन नेचर होता है और यदि स्पर्म यूरेथ्रा से पास आउट हुआ ड्यूरिंग इजैकुलेशन तो स्पर्म डैमेज होने के चांस ज़्यादा हैं, डैमेज हो जाएंगे। उसी के लिए क्या होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड अपना कुछ एल्केलाइन सिक्रीशन सिक्रीट करता है प्रियर टू इजैकुलेशन, जिससे कि जो एसिडिक नेचर है यूरेथ्रा का वो उस फ्लूइड से न्यूट्रलाइज हो जाता है जो कि एल्केलाइन होता है, और फिर वहाँ से यदि स्पर्म पास आउट हो, सीमेन पास आउट हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यदि कॉपर्स ग्लैंड हमने हटा दिया तो एल्केलाइन फ्लूइड सिक्रीट नहीं करेगा तो स्पर्म को नुकसान होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ ओवरी फाउंड इन लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली के अंदर किस टाइप की ओवरी पाई जाएंगी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है सुपीरियर एंड ट्राइकार्पलेरी टाइप की ओवरी पाई जाएंगी लिलिएसी फैमिली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड अकर ड्यूरिंग बोल्टिंग प्रोसेस, बोल्टिंग जो प्रोसेस है जो कि जिबरलिन हार्मोन के माध्यम से करवाई जाती है उसके दौरान जो इंटरनोड्स होते हैं उनको इलोंगेट करवाया जाता है प्रियर टू फ्लावरिंग, यानी फ्लावरिंग होने से पहले इंटरनोड को इलोंगेशन करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो अपनी मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। जो मोनोट्रेपा है सिर्फ ये इंसेक्टिवोरस नहीं है, बाकी जो ड्रोसेरा नेथिन और यूट्रिकलेरिया ये तीनों के तीनों इंसेक्टिवोरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन हनी बीज द ड्रोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, देखिए जो क्वीन होती है टू टाइप्स के एग ले करती है, फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज एग। यदि एग फर्टिलाइज हुआ तो इससे बनेंगे फीमेल बीज, ठीक है, इससे फीमेल बीज बनेंगे, और जो अनफर्टिलाइज है इससे बनेंगे मेल बीज, ठीक है, और उसी मेल बी को हम क्या कहते हैं ड्रोन्स कहते हैं। तो इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कि अनफर्टिलाइज एग्स से क्या बनते हैं ड्रोन्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोर कैम्बियम इज डेवलप्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ मेरिस्टेम फॉर्म्स कोर कैम्बियम, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम जिसको हम स्कैंडी मेरिस्टेम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेगनेंसी बिगिंस विद इम्प्लांटेशन ऑफ, कब कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, कब कन्फर्मेशन मिलेगा, जब जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं हमारे जो फीमेल है उसकी यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि प्रेगनेंसी कन्फर्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, जब डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल को हम किसी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से बाइंड कर देते हैं तो उसको क्या नाम दिया गया है, तो उसका नाम है प्रोब, तो प्रोब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, देखिए ग्लाइकोलिसिस के जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर ग्लूकोज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
इन नेगेटिव ओपेरिन क्या होता है, इंड्यूसर बाइंड्स विद रिप्रेसर या को रिप्रेसर डज नॉट बाइंड विद रिप्रेसर। क्वेश्चन का राइट आंसर है कि इंड्यूसर बाइंड विद रिप्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमोकॉइल इज फाउंड इन। हेमोकॉइल एक टाइप की कैविटी है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ साइनसिस से मिलकर बनी होती है और इसके अंदर हेमोलिम्फ होता है, और ये हेमोकॉइल कैविटी मेनली आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाई जाती है, जैसे कॉकरोच हो गया या स्कॉर्पियन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट विच हेल्प इन द इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को निकलने में सहायता करते हैं? तो जो मैंगनीज है और क्लोरीन है, ये दोनों फोटोलिसिस ऑफ वाटर रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करके ऑक्सीजन इवोल्व होने में हेल्प करते हैं। तो मैंगनीज और क्लोरीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इतने ही एमसीक्यू, स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर इतने एमसीक्यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।